किसी ने अभिचार करके उसको अपने वश में कर लिया है, अपनी तरफ खींच लिया है और आप उसको फिर से पाना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, आपने पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से अपने पार्टनर को चाहा और उसे अपना बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास सिर्फ उनका फोटो पिक्चर है, अगर आप अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने साथी को, अपने जीवन साथी को, अपने लव पार्टनर को, जिसको भी आप अपनाना चाहते हो, और सबसे बड़ी बात कि अगर उसके ऊपर कोई भूत प्रेत पिशाच किया कराया, तंत्र मंत्र या किसी ने छीन लिया है कुछ गलत करके, अगर आपके अपने पार्टनर पर आपको लगता है किसी ने कुछ गलत किया है, अगर आपको ऐसा किसी भी तरह से प्रतीत होता है या किसी ने बताया है या कैसे भी आपको यह पता चल गया कि आपके अपने पार्टनर के ऊपर किसी ने तंत्र किया है, आपने पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से अपने पार्टनर को चाहा और उसे अपना बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किया, आप हर जगह जाकर के प्रयासशील भी होते रहे, बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिली, हजारों उपाय किए, सब कुछ, हर संभव कोशिश की, फिर भी अगर आपको आपका रिलेशनशिप में बेनिफिट नहीं मिला, तो आज का दिन आपका अपना है। आज के दिन में ये उपाय करके आप त्वरित लाभ पाएंगे, क्योंकि ये भगवान भैरवनाथ की उपासना है। भैरवनाथ के इस बीज मंत्र को आप फोटो के साथ प्रयोग करके किसी के भी ऊपर से तंत्र मंत्र किया कराया या उल्टी सीधी चीजें खत्म कर सकते हैं। अगर ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, गलत चीजें करके किसी ने कुछ खराब करने की कोशिश की है, वो चाहे कोई भी हो, उसका त्वरित आपको लाभ मिलेगा, आपको पता चलेगा और आपको मालूम पड़ जाएगा किसने किया, आप उसे ठीक कर पाएंगे। मैं बात कर रहा था कि आज भगवान भैरवनाथ की कृपा से आप सिर्फ फोटो देख करके किसी के ऊपर से तंत्र मंत्र समाप्त कर सकते हैं, उसको अपना बना सकते हैं, उसको अपने अनुकूल चला सकते हैं। आप चाहे शादी के पहले का रिलेशन हो, चाहे शादी के बाद का रिलेशन हो, या वैवाहिक रिलेशन हो, या पारिवारिक रिलेशन हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, इसको त्वरित ठीक किया जा सकता है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपके पास एक फोटो होनी चाहिए सजीव, सजीव मतलब आपके पास वो कॉपी होनी चाहिए अलग से कागज पे। उस फोटो को एक बड़े कागज के ऊपर रखना है और जिस कागज पे आप रख रहे हो उस कागज को पूरा का पूरा हल्दी से रंग देना है, उसके ऊपर पलट के रखना है, हल्दी की तरफ उनका मुंह होना चाहिए और उसको रैप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, एक पर्दा बनाइए और ठीक अपने सामने रखिए। भैरव भगवान को याद करिए, दो अगरबत्ती जला दीजिए, एक आसन काला नीला बैंगनी कोई भी रख सकते हो, लाल पीला नहीं रखिएगा, कोशिश करिएगा कि काला हो नीला हो तो बहुत ज्यादा अच्छा। अगरबत्ती के साथ साथ आपको कुछ बतासा या चीनी का उसी जगह भोग लगा देना है, अगरबत्ती के पास में ही, कोई फोटो और की जरूरत नहीं है, बस उसी के पास भैरव जी का ध्यान करना है और ये मंत्र केवल 3 बार बोल देना है। ओम बम बटक भैरवा यही नमः, ओम बम बटक भैरवा यही नमः, ओम बम बटक भैरवा यही नमः। अब ये 3 बार आपको इसी स्वर में इसी तरीके से उच्चारण करना है और उस फोटो को किसी भी गरु चीज के नीचे दबा देना है, भारी चीज के साथ। ये क्रिया आपको निशारात्रि या अर्धरात्रि में करनी है, सायंकालीन सूर्यास्त के बाद या तो अर्धरात्रि 12 बजे के आसपास। अगर ये उपाय इस ढंग से आप करते हो तो इसका त्वरित लाभ होगा। उस फोटो को तब तक दबे रहने देना जब तक आपको ये ठीक होता नजर नहीं आता। जरा सा भी आपको इसमें बेनिफिट नजर आए, आप त्वरित इस चीज के लिए संपर्क करें और इसको पूरा ठीक कराएं, क्योंकि कदाचित हो सकता है कि प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो, प्रभाव थोड़ा बड़ा हो, तो एक तिल के बराबर भी अगर परिवर्तन आया तो आप समझ जाना आप सही दिशा में हो, इसका पूरा सही से इलाज करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बुरी चीजें है ना। और हाँ, केवल प्रभाव समाप्त नहीं होगा, वो तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। अगर तुम्हें उसको वश में करना है तो भी आप इस तरह से कर सकते हो। वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी एज का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी चीज से संबंध रखता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप ये उपाय करें। भगवान भैरव आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद, वैभव और संपत्ति लेकर के आए। आप खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंदित रहें, खूब जीवन में आप उन्नति करें, ऐसी हमारी शुभकामना है। भगवान शिव आपको बेहतर करें। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।